कई बार ऐसा होता है कि हमें जानबूझकर अपमानित कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, पर इसके पीछे भी कारण वैसे ही होते हैं, या तो वो जेलसी में होगा या फिर इनसिक्योरिटी में होगा। तो किसी को लग सकता है कि कोई आदमी हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसको खींच के नीचे लाओ, नहीं तो लोग कहेंगे देखिए इन्हीं के साथ का आदमी था, वो वहाँ पहुँच गया, और तब आपको अपमान महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी इसीलिए। और जब कभी भी आप अपमानित महसूस करेंगे तो क्या होगा, क्या तो आप रिएक्शन शो करेंगे, और उस रिएक्शन के भी तीन पहलू हैं। आप कैसे कैसे रिएक्शन शो कर सकते हैं, हो सकता है कि आप इस पर रिएक्ट हो जाएं और झगड़ा कर लें, मारपीट पर उतार हो जाएं। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, या तो आप दोनों हॉस्पिटल जाएंगे या फिर जेल। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ों में अगर न उलझें तो अच्छा है। एक्चुअली होता इसमें यह है कि जब आप इस तरह का रिएक्शन शो कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा और आप रिएक्ट हो गए, तो आप अपना कंट्रोल दूसरे को दे रहे हैं। आपके हाथ में ये नहीं है कि दूसरा आदमी आपसे कैसे बिहेव करे, लेकिन आपके हाथ में तो है कि आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करें, कैसे आप उसको जवाब दें, ये आपके हाथ में है। और ये चीज़ें ही तय करेंगी कि इस बिहेवियर का फ्यूचर क्या होगा, यानी आप झगड़ा करके आप हॉस्पिटल जाएंगे या जेल जाएंगे। तो क्यों देना किसी दूसरे के हाथ में अपना कंट्रोल, बेहतर है कि आप शांति बनाए रखें और मौसम के मिजाज को समझें। दूसरा रिएक्शन का तरीका वही है जो जैसा बुद्ध ने किया, वो शांत बने रहे, और जब उस आदमी का गुस्सा पूरी तरह निकल गया, जब अपमान करना उसने बंद किया, उसने देखा कि बुद्ध पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो शांत हो गया। ऐसे भी होता है जब कोई दूसरा आदमी रिएक्ट करता है तो आप और कोशिश करते हैं, फिर वो रिएक्शन देता है, फिर आप रिएक्शन देते हैं, फिर वो चेन रिएक्शन होने लगता है। पर जैसे ही कोई शांत बना रहता है, आप किसी दरवाजे को हिट कीजिए, दरवाजा कुछ रिएक्ट नहीं करता, आप अपने आप चुप हो जाते हैं। दो बार तीन बार आप हिट करने के बाद क्या करेंगे आप? तो इस तरह अगर आप किसी के सामने फ्लैट बिहेवियर करते हैं तो वो मायूस होकर उसे चुप रहना ही पड़ता है। तो वैसा कर सकते हैं शांत रह के, जैसा कि बुद्ध ने किया, पर सभी लोग तो बुद्ध नहीं है, दैनिक जीवन में तो मुश्किलें आती हैं। तो तीसरा पहलू ये है कि आप किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, उसको एक माकूल जवाब दें, यानी अप्रोप्रिएट एक मैसेज उसको भेजें या उसको जवाब दें। तो अप्रोप्रिएट जवाब कैसे देंगे, इसके दो पहलू हैं। एक तो आप अपने जवाब को कुछ इस तरह से दें कि उसको ह्यूमर में बदल दें, उसको मजाक में बदल दें। जैसे आपकी तरफ वो चीज़ आई, आपने उसको ह्यूमर में, आपने उसको मजाक में ही उड़ा दिया। ये कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं कि एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है, आप ऐसे देखें कि विंस्टन चर्चिल और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोनों बहुत अब दोस्त भी थे, उस जमाने में इंटेलेक्चुअल भी थे, और काफ़ी एक दूसरे के लिए विटी थे, काफ़ी एक दूसरे पर तंज करते रहते थे। तो एक बार बर्किंगम पैलेस में एक भोज था, और उसमें कॉरिडोर से उधर से चर्चिल आ रहे थे और इधर से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जा रहे थे। चर्चिल बहुत लहीम सहीम, लंबे चौड़े और ऐसे कुछ थे, बर्नार्ड शॉ स्किनी से, पत्ते दुबले से, लंबे से थे। चर्चिल को मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि हाथ फैलाया और पूरे कॉरिडोर को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी इडियट को जाने नहीं देता। जॉर्ज कॉरिडोर के वॉल में चिपक गए और उन्होंने कहा मैं जाने देता हूँ, मैं इडियट से नहीं लड़ता, जा भाई। तो ये बात एक विटीनेस की है, और निश्चित अगर आप ऐसा कर सकें तो ये बड़ी मजेदार बात है। तो आप इस बात को मजाक में उड़ा दिया और फिर दोनों हंसते चले। ऐसा ही कुछ और भी तरीका है कि जवाब ऐसा दें कि अगला चुप हो जाए। जैसा कि एक स्टोइक फिलोसोफर जिनका नाम केटो था, उन्होंने एक बार ऐसा किया। और हुआ यूं कि केटो एक अपने मुकदमे में, जो कि रोम में चल रहा था, वो उस पर अपनी बहस कर रहे थे, उस पर अपनी दलीलें और तर्क दे रहे थे, और काफ़ी तेज तरीके से दे रहे थे। जो उनके अपोजिशन में थे लेंटलेस, वो बहुत कुछ उनके लॉजिक के आगे जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि केटो तो भाई लगातार अपना प्रभाव, अपना माहौल बनाते जा रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं हुआ लेंटलेस को। लेंटलेस ने केटो के मुंह पर थूक दिया, चारों तरफ सन्नाटा था गया। ये क्या किया लेंटलेस ने? केटो ने शांतिपूर्वक अपने चेहरे को पूछा और उसने कहा कि लेंटलेस, लोग गलत कहते हैं कि तुम अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करते। मैं दावे से कह सकता हूं, और इस बात को बहुत जोरदार तरीके से कह सकता हूं, कि लेंटलेस अपने मुंह का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, इसके बाद लोग हंस दिए, और जो लेंटलेस चाहते थे कि अपमानित करना केटो को, सारा समाज जो है वो लेंटलेस पर हंस रहा था। तो ये भी एक माकूल जवाब है, अगर आप इस तरह दे सकें। लेकिन इसमें देश काल का बहुत टाइम और समय का और अपनी पोजीशन का ध्यान रख के ये सब करना चाहिए, आप ऐसे स्ट्रीट पर किसी तरह नहीं कर सकते। तो जब कभी ऐसा मौसम आए, कभी ऐसी बात हो, कोई अपमानित करे, तो ये सोचकर उसको भी माफ़ कीजिए कि बेचारा तो खुद ही इतना जल रहा है, अब इसको हम क्या जलाएं। अच्छा तरीका तो
बुध वाला है, अगर वो आप कर सकें और अगर नहीं भी कर सकें तो इन फार्मूलों में से कुछ भी करें, लेकिन टाइम और सिचुएशन को देख कर करें।